हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो अरिन। ये पार्ट 5th वीडियो है। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, पार्ट 1 में हम लोग हेलो एल्केन हेलो अरिन का प्रॉपर्टीज देखें और नोमेनक्लेचर देखें। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखें, प्रिपरेशन देखें कि हम लोग कैसे हेलो एल्केन और हेलो एरिन को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम लोग क्या देखें कि हेलो एल्केन में किस टाइप का रिएक्शन होता है, मतलब हेलो एल्केन का रिएक्शन देखें हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पार्ट 5th वीडियो और ये लास्ट वीडियो हम लोग इसमें क्या देखने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन किस में, हेलो एरिन में। इससे प्रीवियस 2 वीडियो में हम लोग क्या देखें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देखें, लेकिन किस में, हेलो एल्केन में। हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एरिन। तो चलिए थोड़ा सा समझिए, आपके पास अगर एक हेलो एरिन है, हेलो एरिन यहाँ पे देखिए, हेलो एरिन मतलब यहाँ पे 3-3 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 3 लोन पेयर भी है। अब समझिए, एक हेलो एरिन के पास 3 लोन पेयर है और 3 पाई बॉन्ड है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और हम करना क्या चाह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, मतलब इस क्लोरीन को हटाना चाह रहे हैं और इस न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना चाह रहे हैं। अब आप सोचिए, एक खुद ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है और दूसरा एक नेगेटिव क्लाउड को, निगेटिव वाले क्लाउड को, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ ऐड करना चाह रहे, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अब 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि निगेटिव चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के साथ साथ और बहुत सारा रीजन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक हेलो एरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी वे में यानी रूम टेम्परेचर पे क्यों पॉसिबल नहीं है। तो उसका सबसे पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट का ए, अगर हम हेलो एरिन बेंजीन यहाँ पे लें, 3 पाई बॉन्ड है, क्लोरीन के पास देखिए 3-3 लोन पेयर है। आप रेजोनेंस निकालना 11th में सीख चुके हैं और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अपना लोन पेयर अगर यहाँ पे डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्योंकि ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ पे जब इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, और ये लोन पेयर मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा क्लोरीन, और 2 लोन पेयर अपना एक लोन पेयर दे दिया, इसलिए इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और इस टाइप से अभी भी मेरे पास डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से, अब यहाँ पे देखिए ये तो एज इट इज चलेगा, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे कौन सा, नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। फिर से यहाँ पे अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिए आप, यहाँ पे क्या है, Cl एक लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड था, फिर से यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्यों उस डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट किया और यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। अब ये फिर फाइनली अपना बॉन्ड लेके वापस चला जाएगा, डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, ये अब जो लोन पेयर दिया था क्लोरीन वापस लेगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ 3 लोन पेयर आएगा और ये बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप से रेजोनेंस होता है। अगर मेरा रेजोनेंस है सही या नहीं, सबसे अच्छा देखने का तरीका, जहां जहां पे डबल बॉन्ड था फर्स्ट स्ट्रक्चर में वहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखने का तरीका है। अब इसका मतलब क्या हो, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन में नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इस क्लोरीन को हम लोग यहाँ से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, दूसरा न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। तो रेजोनेंस में हम क्या देख रहे हैं कि इन 3 स्ट्रक्चर में आप देखिए क्लोरीन और बेंजीन के बीच डबल बॉन्ड आ जा रहा है। हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है डबल बॉन्ड,
तो इस क्लोरीन को यहां पे ब्रेक करना, मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का नहीं कर पाएंगे इन कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना और डिफिकल्ट है, जिसके कारण क्लोरीन को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं अदर न्यूक्लियोफाइल से। तो फर्स्ट रीजन क्या हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट। तो वहां पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू पार्शली डबल बॉन्ड, क्योंकि इन तीन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिख रहा है, जिसके कारण हम लोग उसको क्लोरीन को नहीं रिप्लेस कर सकते हैं अदर न्यूक्लियोफाइल से। सेकेंड क्या दिया है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। इसे हम लोग अभी ओमिट नहीं करते हैं, इसे हम लोग रखते हैं, आगे हम लोग यूज करेंगे। आइए फर्स्ट का बी में क्या है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। समझिए, हम लोग जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, ना कि डबल बॉन्ड को। तो यहां पे देखिए 1, 2, 3, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, तो यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। लेकिन आप आ जाइए, अगर एक हेलो एल्केन लेते हैं, तो यहां पे अगर एक्स ग्रुप है, तो यहां पे इस टाइप से होता था, तो यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब यहां पे हम लोग एस कैरेक्टर निकालते हैं। एस कैरेक्टर निकालने का क्या तरीका है, जितना हाइब्रिडाइजेशन है टोटल को 100 में डिवाइड कीजिए। यहां पे एक एस है, p3 है, टोटल कितना हुआ 4, तो 100 में आप 4 से डिवाइड कीजिए, 100 में 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 25। मतलब यहां पे मेरा एस कैरेक्टर कितना है, 25%। अब यहां पे देखिए, एक एस है, p3, टोटल कितना है यहां पे 3 है, तो 100 में 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 33.33। तो हम यहां पे एस कैरेक्टर अगर हम देखें, तो यहां पे एस कैरेक्टर कितना है, 33.33%। मतलब हेलो एरीन में एस कैरेक्टर ज्यादा है इन कंपेयर टू हेलो अल्केन। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इस कार्बन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रखने का। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस कार्बन के पास क्या है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रखने का। अब यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसा क्यों ये चाहेगा, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इस कार्बन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रखने का, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा। वही यहां पे है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सेकेंड रीजन हुआ कि एक हेलो एरिन क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इजिली पार्टिसिपेट नहीं करता है। आइए थर्ड, थर्ड क्या हुआ है, इन स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आपके पास एक हेलो एरिन है, ये हेलो एरिन यहां पे मान लीजिए क्लोरीन है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये एक फिनाइल कैटायन बनेगा, फिनाइल कैटायन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, और एक एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, जो आप 11th क्लास में हकल्स रूल पढ़े होंगे। तो थर्ड रीजन क्या हुआ, इन स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। थर्ड क्या दिया हुआ है, रिपल्सन, जो हम आपको फर्स्ट में समझाए। रिपल्सन का मतलब हेलो एरिन के पास खुद इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है हेलो एरिन के पास, और एक हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करना चाह रहे हैं, निगेटिव चार्ज इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, रिपल्सन ज्यादा होता है। तो यहां पे रिपल्सन ज्यादा होने के कारण ये यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि एक हेलो एरिन कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है इन जनरल वे, या बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्यों, ये सारा रीजन है। लेकिन आप समझिए, क्या यह हमेशा एक जैसा होगा, नहीं। अगर हम यहां पे टेम्परेचर को बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा दें, दैट मींस ड्रास्टिक कंडीशन में अगर हम एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन में करना चाहेंगे तो पॉसिबल है। कहने का मतलब समझिए, यह मान लीजिए एक हेलो एरिन है क्लोरीन, इजी वे में अगर हम यहां पर OH ग्रुप को एड करना चाहें तो नहीं होगा, लेकिन जब यहां पे हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर को बढ़ा देंगे, हम इस टॉपिक का बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं और टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तब यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। देखिए यहां एनसीईआरटी का डाटा दिया हुआ है, 623 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर कितना है 300 atm।
तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हेलोएरिन में भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब OH ग्रुप जाके अटैच्ड होगा, ये CLNA बाहर चला जाएगा NaCl। तो कहने का मतलब एक हेलोएरिन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन कब, ड्रास्टिक कंडीशन में, जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे एक एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में फिर से दिया हुआ है, इसी के नीचे यहाँ पे अगर क्लोरीन है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक NO2 ग्रुप को ऐड कर रहा है, तब यहाँ पे देखिए NaOH, अब यहाँ पे जितना टेम्परेचर था थोड़ा रिड्यूस किया 443 केल्विन, और प्रेशर देने का जरूरत नहीं पड़ा और ये रिएक्शन हो गया। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया, ये OH ग्रुप और ये NaCl बाहर चला गया, ऐसा क्यों। तो अभी हम क्या बोले कि एक अगर हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा था, तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब न्यूक्लियोफाइल इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा था। लेकिन ये NO2 ग्रुप आने पर ऐसा क्या हुआ कि हमको प्रेशर देने का भी जरूरत नहीं पड़ा और यह रिएक्शन हो गया। तो NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ये कहीं ना कहीं इस हेलोएरिन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ कर रहा है, मतलब इस हेलोएरिन के पास जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था उसको कम कर रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ तो एक न्यूक्लियोफाइल जाना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ। इसी कारण देखिए यहां पे टेम्परेचर 623 केल्विन था, लेकिन 443 केल्विन दिए और कोई प्रेशर ही नहीं दिया और यहां पे रिएक्शन हो गया। तो इस टाइप से हम और अगर NO2 ग्रुप ऐड करते जाएंगे तो ये रिएक्शन और इजी वे में होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, बेंजीन हेलोएरिन से यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर रहा है, तब एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इजी होगा। जैसे आप समझिए, नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहां पर हम देखें, यहां पर NO2 ग्रुप हम ऐड कर दें और यहां पर भी हम NO2 ग्रुप ऐड कर दें, दो दो ग्रुप ऐड कर दिए, तब देखिए मेरे पास यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमको ज्यादा प्रेशर भी देने का जरूरत नहीं पड़ा। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये NaOH और देखिए कितना 368 केल्विन एसिटिक मीडियम में और ये रिएक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए, एक NO2 ग्रुप था तब 443 केल्विन, मतलब थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, अब जब हम दो NO2 ग्रुप ऐड किए तो ओनली 368 केल्विन टेम्परेचर दिए और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन में हो गया। तो क्यों, क्योंकि यहां पे दो दो NO2 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो इस हेलोएरिन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। इसी रिएक्शन को आप और इजी तरीके से समझ सकते हैं, जब एक हेलोएरिन में हम लोग तीन तीन, यहां पे भी NO2 ग्रुप को ऐड कीजिए, यहां पे भी NO2 ग्रुप को ऐड कीजिए, यहां पे भी NO2 ग्रुप को ऐड कीजिए, अब देखिए हो क्या रहा है, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो थ्री ऐसा ग्रुप यहाँ पे हेलोएरिन में आ गया जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर रहा है, तो इसीलिए तो रिएक्शन नहीं हो रहा था हेलोएरिन में, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा था। अब यहाँ पे सिंपल आप NaOH लीजिए और हल्का सा हीट कर दीजिए, वार्म कर दीजिए, ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी वे में, रूम टेम्परेचर पे, जनरल वे में पॉसिबल नहीं है, उसके पीछे ये रीजन था। लेकिन जब हम ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करें, टेम्परेचर को बढ़ा दे, प्रेशर को बढ़ा दे, या हेलोएरिन में कोई ऐसा ग्रुप ऐड कर दे जो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ करेगा, मतलब हेलोएरिन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये मेरा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब समझिए, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि एक हेलोएरिन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, मतलब हेलोएरिन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसके पास निगेटिव चार्ज है। अब हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज को ऐड करना। तो एक हेलोएरिन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इजी वे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि हेलोएरिन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ऐड क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो पॉसिबल है।
तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी ऐड नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूट कर रहे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इजी वे में पॉसिबल है। अब यहां पे थोड़ा हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो हम फर्स्ट देखते हैं हैलोजिनेशन। इसे देखने के पहले देखिए हम इसे क्यों ओमिट नहीं किए, यहां पर अब हम इसका यूज कर रहे हैं। आते हैं हम लोग किस पे, सेकेंड पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम आप क्या आपको देखा है कि जब हम हेलोएरीन का रेजोनेंस निकाल रहे तो क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए, ऑर्थो पे निगेटिव क्लाउड ज्यादा है और पारा पे, किस किस पे, ऑर्थो पे और पारा पे। देखिए यहां पे मेरा निगेटिव क्लाउड है, यहां पे निगेटिव क्लाउड, तो ये भी तो ऑर्थो हुआ। तो अब बात आती है कि जब एक हेलोएरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को, तो कहां पे पॉसिबल है, तो इस रेजोनेंस से पता चलता है कि जो सब्स्टिट्यूट होगा कहां पे होगा, या तो ऑर्थो पे होगा या फिर पारा पे होगा। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड का, क्या दिया हुआ, फर्स्ट का एम है हेलोजिनेशन। तो एक हेलोएरीन आप लीजिए, हेलोजिनेशन क्या होता है, एक हेलोएरीन को जब आप हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो अब यहाँ पे देखिए हर एक के पास यहाँ पे बेंजीन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को ये एक क्लोरीन रिप्लेस करेगा, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या देगा, Cl, और यहाँ पे Cl आएगा, और ये H और Cl मिलके बाहर चला जाएगा HCl। तो यहाँ पे ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज और कहाँ पे, पारा पे, मतलब ये क्या देगा, दो प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोरीन और एक क्लोरीन यहाँ पे आया, ऑर्थो और पारा पे क्यों आ रहा, रेजोनेंस पे देखिए आपको पता चल जाएगा। तो हेलोजिनेशन क्या होता है, जब भी हम लोग हेलोजन ग्रुप को एनहाइड्रस HCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हेलोजन ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट होता है, वो क्या कहलाता है, हेलोजिनेशन। हमेशा हेलोजिनेशन स्टेप स्टेप याद रखिए। अगर आप इसका मैकेनिज्म और पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहां पे आप जाके इसे डिटेल में देख सकते हैं। तो ये मेरा क्या था, हेलोजिनेशन। बी में मेरा क्या दिया हुआ है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसको बोलते हैं, तो हम किस में नाइट्रेशन करा रहे हैं, हेलोएरीन में। नाइट्रेशन में क्या होता है, जब भी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 किनके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अब यहां पे क्या होता है, एक नाइट्रेशन में हेलोएरीन में NO2 ग्रुप आके ऐड होता है, तो कहां पे ऐड होगा, तो ऑर्थो और पारा पे, तो ये भी तो मेरा दो प्रोडक्ट देगा। तो ये क्या हुआ, यहां पे Cl और यहां पे क्या आएगा, NO2 आएगा। तो ये मेरा क्या हुआ, नाइट्रेशन। इसका एक और कंडीशन होता है जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, नाइट्रेशन में होता क्या है, जब भी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं, किनके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। और नाइट्रेशन में जो एडिंग ग्रुप है, जो एक हेलोरीन में जाके ऐड होगा, क्या होगा, NO2 ऐड होता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। हेलोजिनेशन में हेलोजन ग्रुप जाके ऐड होता है और नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप जाके ऐड होता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका यहां से आप ऑर्गेनिक का फर्स्ट फोर जो चैप्टर है, हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडलक्राफ्ट, एकाइलेशन और एसाइलेशन। तो हर एक में आप हेलोजिनेशन पढ़िएगा, तो वहां पे भी आपको हेलोजन ग्रुप से रिएक्शन कराना होगा, एड कौन होगा, Cl होगा। नाइट्रेशन में यही रिएक्शन कराना होगा, एड ग्रुप कौन सा होगा, NO2 ग्रुप एड होगा। तो ये मेरा क्या था, नाइट्रेशन। नेक्स्ट क्या है, सल्फोनेशन। आइए हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन। तो एक हेलोएरीन में सल्फोनेशन, मतलब सल्फोनेशन किससे रिएक्शन कराएंगे, या तो सिंपल वे में कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा मिल सकता है, ये सेकंड का क्या है, सी, कंसंट्रेटेड H2SO4 ये रहेगा, या फिर इससे अच्छा ये होता है ऑल्यूम वहां पे रहेगा H2S2O7, ये ज्यादा सफिशियंट है, लेकिन कभी कभी सिर्फ ये प्रेजेंट रहेगा। तब यहां पर रिएक्शन जो होता है सल्फोनेशन में आके जो सब्स्टिट्यूट करता है वो करता है SO3H, ये ग्रुप। हमेशा याद रखिए, जब भी सल्फोनेशन होगा तो कौन सा ग्रुप आके ऐड होगा, SO3H। ये ऑर्थो है तो ये पारा प्रोडक्ट भी देगा। ये क्या हुआ, Cl और यहां पे SO3H। हम इसका नेमिंग करना चाहे तो 1-2, यहां पे 1-2-3-4, तो क्या होगा, 1-क्लोरो सल्फोनिक एसिड, ये कॉमन नेम है आप जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, SO3H, ये क्या कहलाता है, सल्फोनिक एसिड। तो 1-क्लोरो सल्फोनिक एसिड, और यहां क्या कहलाएगा, 4-क्लोरो, यहां से नामिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग,
क्योंकि SO3H क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, 4-क्लोरोसल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फर्स्ट का, सेकंड का डी, क्या बोल रहे हैं, अल्काइलेशन। अल्काइलेशन जब भी कराते हैं तो आर एक्स के प्रेजेंस में, अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में, CH3Cl आप ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, क्लोरीन, यहां पे क्या कर रहे हैं, CH3Cl, किनके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। फिर वही बात, ये CH3 ग्रुप जाके ऐड होगा, तो यहां पे क्या बना, Cl और यहां पे CH3, क्योंकि ऑर्थो और पारा दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पारा प्रोडक्ट भी देगा यहां पे। ये क्या हुआ, Cl और यहां पे CH3। तो ये है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एक होता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में आता है। एसाइलेशन में क्या है कि जब हम लोग एक हेलोएरिन को रिएक्शन कराते हैं RCOX, तो यहां पे हम एग्जांपल लेके करते हैं, R के जगह पे हम CH3 ले रहे हैं, CO और X जगह पे क्लोरीन, तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या देगा, सेम कैटलिस्ट रहेगा, तो यहां पे क्लोरीन, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो यहां पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। ये ऑर्थो प्रोडक्ट हुआ, पारा में भी ये प्रोडक्ट देगा, यहां पे Cl और यहां पे आएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नेमिंग क्या है, तो इसका बहुत फेमस कॉमन नेम है, आप लोग जानते हैं, ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप क्या कहलाता है, एसिटोफेनोन, क्या कहलाता है, एसिटोफेनोन। तो ये यहां से नेमिंग कीजिए, 1-2, तो 2-क्लोरोएसिटोफेनोन, 1-2-3-4, तो 4-क्लोरोएसिटोफेनोन। आपको नेमिंग अगर नहीं याद आता है तो हम बताते जाते हैं, उसे आप लिखते चले जाइए। तो ये मेरा क्या था, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इस टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये सभी रिएक्शन होता है। तो कुछ नहीं, आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हेलोजिनेशन होगा तो एक्स ग्रुप से रिएक्शन कराएगा, और किनके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, और जाके सब्स्टिट्यूट जो ग्रुप होगा कौन सा होगा, एक्स ग्रुप, Cl2 रहा तो Cl होगा, Br2 रहा तो Br होगा। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में जो ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट हो रहा कौन सा ग्रुप होगा, NO2। किससे रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, और किनके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। उसी टाइप से सल्फोनेशन में जो ग्रुप जाके ऐड होगा कौन सा ग्रुप, SO3H। रिएक्शन किससे कराएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर वॉल्यूम से H2S2O7। उसी टाइप से फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप का, जब अल्काइलेशन होगा तो RX CH3Cl और एसाइलेशन होगा तो RCOCl। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो 4 रिएक्शन है आपका, यहां से जो चैप्टर स्टार्ट हुआ, फिर 4 चैप्टर तक जाइएगा, हर एक चैप्टर में आपको हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन मिलेगा। तो वहां पे आपको याद रखना हो कि नाइट्रेशन जब करा रहे, मतलब कौन सा ग्रुप आके ऐड होगा, NO2, सल्फोनेशन SO3, हेलोजिनेशन एक्स ग्रुप, फ्राइडल क्राफ्ट अल्कलाइसन CH3, एसाइलेशन CO CH3। तो इस टाइप से आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो ये था मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड आते हैं रिएक्शन विथ मेटल, क्या है, उर्ज़फिटिक रिएक्शन। इससे पहले हम लोग उर्ज रिएक्शन देख चुके हैं, आइए हम लोग उर्ज़फिटिक रिएक्शन देखते हैं। उर्ज़फिटिक रिएक्शन क्या है, सबसे पहले आते हैं फिटिक रिएक्शन। ये देखिए उर्ज़फिटिक रिएक्शन, जब एक अल्काइल ग्रुप, सिंपल सा आप आइए थर्ड का, इसे हम ए नेमिंग करते हैं और इसे बी, तो थर्ड का ए, उर्ज़फिटिक रिएक्शन, यानी RX किससे रिएक्शन करेगा, मेटल से, 2Na, एक अल्काइल ग्रुप होगा और एक क्या होगा, एराइल ग्रुप, एरोमेटिक, ये दोनों यहां से बाहर जाता है, तो ये प्रोडक्ट क्या देता है, यहां पे एक अल्काइल ग्रुप आके ऐड होता है। तो ये रिएक्शन मेरा क्या कहलाता है, उर्ज़फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या है, फिटिक रिएक्शन में दोनों एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, मान लीजिए यहां पे Cl प्लस 2Na, हमेशा सोडियम के प्रेजेंस, सोडियम से रिएक्शन करता है,
दो अल्काइल ग्रुप होगा Cl, और ये ग्रुप यहां से बाहर जाता है तो ये क्या बनता है, डाइफिनाइल बनता है। क्या बनता है, डाइफिनाइल। ये मेरा क्या है, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। अब ये मेरा क्या है, बी है फिटिक रिएक्शन, ये क्या है उर्ज फिटिक रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन एक जैसा है, समझिए। जब उर्ज रिएक्शन है मतलब दो अल्काइल ग्रुप रिएक्शन करेगा, फिटिक रिएक्शन है मतलब दो एरोमेटिक ग्रुप रिएक्शन करेगा, उर्ज फिटिक रिएक्शन है मतलब एक अल्काइल और दूसरा एरोमेटिक ग्रुप। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं, उर्ज रिएक्शन दो अल्काइल ग्रुप सोडियम से रिएक्शन करेगा, फिटिक रिएक्शन दो एरोमेटिक ग्रुप रिएक्शन करेगा, और उर्ज फिटिक मतलब दोनों मिलकर, मतलब एक मेरा अल्काइल होगा और एक मेरा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो इस टाइप से हम लोग रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट आपका पॉली हेलोजन कंपाउंड हेलो एल्केन हेलोएरिन का, इसका एक सफिशियंट पीडीएफ नोट्स नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये छोटा छोटा टॉपिक है, आप इसे एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं इसे। पॉली हेलोजन कंपाउंड बोलते किसे हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मोर देन वन हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे CHCl2 दो क्लोरीन है, पॉली हेलोजन कंपाउंड है। CHI3 थ्री हेलोजन ग्रुप है, पॉली हेलोजन कंपाउंड है। तो इस टाइप से जिसमें मोर देन वन हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। इसका यूज कहाँ है, इसका यूज होता है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ये सब जगह पे इसका यूज होता है। चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। डाइक्लोरोमीथेन ये कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन एज अ सॉल्वेंट हम लोग यूज कर सकते हैं पेंट रिमूवर के रूप में, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स में यूज करते हैं, मेटल क्लीनिंग में यूज करते हैं, ये सब इसका यूज है। लेकिन इन सब का कहीं ना कहीं कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है। जैसे ये अगर मेरे आई के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो ये कॉर्निया को बंद कर सकता है, ये विजिबिलिटी मतलब देखने का कैपेसिटी कम करता है, हियरिंग सुनने का भी कैपेसिटी कम करता है। तो इस सब से थोड़ा थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट भी है। नेक्स्ट आइए ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, ये भी इसे भी हम लोग सॉल्वेंट के तो सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन फैट्स वगैरह का। अब यहाँ पे CHCl3 तो ये सब कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट भी देता है, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ ना कुछ यूजफुल भी है। तो अब यहाँ पे जैसे सॉल्वेंट के रूप में हम लोग फैट में यूज करते हैं, ये इसका क्या है, यूज है। हम लोग इसका इस टाइप से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और सभी मतलब इंडस्ट्री वगैरह में या फिर मेडिसिन वगैरह में यूज होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब इसका यूजेज है। अब देखिए इसका हार्मफुल, हार्मफुल क्या है, ये हमारे लीवर सिस्टम को हार्मफुल करता है, नर्व सिस्टम को हार्मफुल करता है। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं ये सब हार्मफुल इफेक्ट भी है। अब यहाँ पे जो इसमें मेन चीज़ है ट्राइक्लोरोमीथेन में, जब इसे हम लोग रखते हैं तो इसे हम लोग डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये CHCl3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये COCl2 गैस बनाता है। क्या बनाता है, COCl2, इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्जिन। क्या बोलते हैं, फॉस्जिन गैस बोलते हैं, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए जब भी हम लोग CHCl3 को हम लोग यूज करते हैं तो इसे हम लोग डार्क कलर बॉटल में स्टोर करते हैं। इस टाइप से हम लोग इसे हम लोग आगे एक फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में आप इसे पढ़िएगा कि हेलोजिनेशन टेस्ट को क्या होता है, वहाँ पे आप यूज करते हैं हम लोग इसे। नेक्स्ट क्या है, ट्राइआयडोमीथेन। ट्राइआयडोमीथेन एक एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज होता था, अब ऐसा होता नहीं है। ऐसा पहले से यूज क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन गैस रिलीज होता है, इवोल्यूशन होता है, जिसके कारण से हम लोग यूज करते थे। लेकिन ये आयोडीन गैस IO2 गैस इतना अनप्लीजेंट स्मेल होता है, जिसके कारण अब इसे अदर मेडिसिन से रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। इसका भी हम लोग बहुत सारे केमिस्ट्री के फॉर्म में या एग्रीकल्चर या मेडिसिन के बहुत सारे फॉर्म में हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। इसका मेनली रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज किया जाता है। तो अब आइए रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ही हार्मफुल होता है ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, ये कम करता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्थ पे यूवी लाइट पहुँच रहा है, जिसके कारण हम लोग को स्किन कैंसर या फिर आई डिजीज हो रहा है। तो ये सब थोड़ा बहुत हार्मफुल इफेक्ट है किसका, टेट्राक्लोरोमीथेन का। अब आइए फ्रियोन्स,
फ्यूम्स है क्या? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है, किसका? मीथेन या फिर इथेन का। बहुत ही फेमस फ्रियोन है, फ्रियोन कौन सा? 1-2। ये फ्रियोन्स 1-2 है क्या? 1 रिप्रेजेंट करता है कार्बन को और 2 रिप्रेजेंट करता है 2 क्लोरीन को Cl2 और 2 फ्लोरीन को CH। तो इस टाइप से फ्रियोन क्या है? CH Cl2 F2, फ्रियोन 1-2 इसी को बोलते हैं। 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कार्बन को। 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन को। तो ये अब ये इसका यूज क्या है? तो फिर से इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में। और जब रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर रहे हैं तो फिर से वही बात, ये बहुत ही हार्मफुल होता है किसके लिए? ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर को कम कर रहा है जिससे यूवी लाइट अर्थ तक पहुँच रहा है और ये बहुत ही हार्मफुल है हम लोग के लिए। नेक्स्ट है DDT। DDT क्या है? PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफिकल्ट लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। आप लास्ट स्टार्ट कीजिए, क्या है? इथेन, 2 कार्बन ऐड कीजिए, इथेन। क्या है? PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल, मतलब यहां पे डाइफिनाइल है और उस फिनाइल पे पारा पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, एक फिनाइल ग्रुप ऐड कीजिए, ये फिनाइल ग्रुप हुआ, यहां पे भी एक फिनाइल ग्रुप ऐड कीजिए, ये फिनाइल ग्रुप हुआ। और यहां पे क्या है? PP डाइक्लोरो, मतलब पारा पे क्या है? क्लोरीन है। यहां पे पारा पे क्या है? क्लोरीन है। फिर से क्या बोल रहा है? PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। अब एक कार्बन के पास क्या है? ट्राइक्लोरो, मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन है Cl। अब यहाँ पे एक कार्बन फोरबन बना तो यहाँ पे H दे दीजिए। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हुआ किसका? DD का, DDT का। तो इस टाइप से हम लोग इसका आसानी से स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। DDT ये क्या था? ये मेरा फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स था। इंसेक्टिसाइड मतलब इसका एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा यूज हुआ, मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका मेडिसिन में यूज हुआ। लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? ये वाटर में, DDT वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, जिसके कारण फाइनली अगर फार्मर लोग अपने फील्ड में अपने खेत में यूज़ करता है तो फाइनली वो वाटर में इनसॉल्यूबल होने के कारण ये कहाँ पर पहुँचता है? सी में या फिर रिवर में। तो वहां पे क्या होता है? इनसॉल्यूबल होने के कारण ये फिश के लिए हाईली टॉक्सिक होता है और बहुत ही ज्यादा फिश के लिए हार्मफुल होता है और वहां पे बहुत ज्यादा फिश मर जाता है। तो इस टाइप से DDT बहुत सारे डेवलप कंट्री में बैन है, जैसे अमेरिका में से 1972 या फिर कुछ डाटा दिया हुआ आपके बुक में, वहां देखिएगा वहां पे कब का बंद कर दिया है। लेकिन इंडिया है, अभी इंडिया में अभी भी चल रहा है। हम लोग क्या है? चीप एंड बेस्ट देखते हैं, ये नहीं देखते नेचर को क्या नुकसान कर रहा है। चीप मिला, सस्ता मिला, चलो खरीदो यूज करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचर को भी ख्याल में रखना चाहिए। तो ये मेरा क्या था? DDT। तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो आज हम लोग एक कंप्लीट चैप्टर किए हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे में कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम इसे वहाँ पे कुछ सॉल्व कर देंगे। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।